हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल बट टेस्टी थेपला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में 1 कप चॉप्ड कोरिएंडर ले लिया है, 1.5 टेबल स्पून चिली गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट ऐड की है, मैंने फ्रेश क्रश करके ही लिया है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम 1/2 कप योगर्ट ऐड करेंगे। योगर्ट ऐड करने से हमारे थेपला बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे और उसमें एक अच्छा सा खट्टापन भी आएगा। अब हम उसमें 2 टेबलस्पून तिल ऐड करेंगे। तिल का नटी टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, ये ज़रूर से डालिएगा। ये थेपला हेल्दी बने इसके वजह से मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट मिलेट फ्लार का यूज़ किया है। 1 कप बाजरे का आटा डाला है, 1/2 कप ज्वार का आटा डालेंगे और 2 टेबलस्पून रागी का आटा ऐड करेंगे। ये प्रोपोर्शन से हमारे जो थेपला बन के तैयार होंगे वो बहुत ही अच्छे और टेस्टी और हेल्दी बन के तैयार होंगे। ये जो थेपला की रेसिपी है, आप इसी तरह से बनाओगे एक बार तो बार बार बनाओगे, इतनी टेस्टी और हेल्दी बन के तैयार होती है। अब हम सॉल्ट ऐड करेंगे। मैंने लगभग 3/4 टीस्पून जितना सॉल्ट ऐड किया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून गुड़ ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने से उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आए हुए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। ऐसा करने से आपको हमारी नई नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद अब हम उसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, हाथ में मसल कर ऐड करेंगे। अजवाइन का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसी वजह से ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है और उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम 1/2 टीस्पून जीरा को हाथ में मसल कर ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा वाटर डालेंगे और मीडियम सॉफ्ट आटा लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे, ये आटा सॉफ्ट हो जाएगा तो बेलने में परेशानी होगी, इसीलिए हम मीडियम सॉफ्ट आटा ही लगाएंगे। मैंने 1/2 कप पानी लिया है, इसमें से मैंने 1/4 कप पानी का यूज़ किया है और उसके ऊपर 2-3 टेबलस्पून पानी की ज़रूरत पड़ी है और मेरा ये अच्छी तरह से डो बनके तैयार हो गया है। इसी तरह का मीडियम सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लेना है। ये परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम उसे नीड करेंगे, अच्छा सा स्मूथ आटा बन जाए इसीलिए उसको इसी तरह से नीड करना बहुत ही ज़रूरी है। नीड हो जाने के बाद छोटा सा बॉल बनाएंगे और उसको ड्राई फ्लार है उसमें रोल करेंगे और बेलना शुरू कर देंगे। हमने मीडियम सॉफ्ट आटा लगाया है, इसी वजह से हल्के हाथों से ही बेल पाएंगे। आप छोटे बड़े कोई भी साइज़ के थेपला बना सकते हो। मैंने यहाँ पे आज छोटे छोटे थेपला बनाए हैं। हमने इस थेपला में बाजरी आटा, ज्वार आटा और रागी का आटा का यूज़ किया है, इसी वजह से ये थेपला हेल्दी है और आयरन रिच थेपला बनके तैयार होता है। ये थेपला आप लंच बॉक्स में और टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हो और ट्रैवलिंग में भी आपके साथ लेके जा सकते हो। ये थेपला की सेल्फ लाइफ लंबी होती है, 2-3 दिन तक कुछ नहीं होता है उसको। अब हम उसे रोस्ट कर लेंगे, दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। पहली साइड को मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे और दूसरी साइड को हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। हमारी पहली साइड होती है तब तक हम दूसरा थेपला बेलना शुरू कर देंगे। ये थेपला आप सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो। एक साइड हो गई है, अब हम साइड उसकी चेंज कर लेंगे। 1/2 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और दोनों तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहो तो घी में भी उसे रोस्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे ओनली तेल का ही यूज़ किया है रोस्ट करने में,
क्योंकि मैं उसके ऊपर रोस्ट करने के बाद घी अप्लाई करूँगी और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसी वजह से रोस्ट करते समय मैंने तेल का यूज़ किया है और रोस्ट हो जाने के बाद हम उसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे। हमारा ये थेपला रेडी हो गया है, अब हम उसे निकाल लेंगे। इसी तरह का हमें दोनों साइड से कुक कर लेना है। इसी तरह से मैंने सभी थेपला को प्रिपेयर कर लिया है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। इसी तरह से ये थेपला बहुत ही फास्ट बनके तैयार हो जाते हैं और कम समय में टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। थेपला के ऊपर ऑयल रखेंगे, दूसरी साइड चेक करेंगे कुक हो गई है या नहीं, उसके बाद ही साइड चेंज करेंगे और दोनों तरफ से अच्छी तरह से ऐसा गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक हम उसे कुक करेंगे। ये थेपला रेडी हो गया है, अब हम उसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसी तरह से घी लगाने से उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है, तो आप ज़रूर से लगाइएगा इसी तरह से। ये थेपला को आप अचार, छुंदो और योगर्ट के साथ खा सकते हो। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।